Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine. Just raise your hand if you are fine. Fine? Okay, very good. So beta, everyone can see the screen clearly. In this class, we will learn about the sunnah way of and the sunnah of going washroom, okay? As you all can see on the screen, sunnah of entering the toilet, okay? So the first sunnah whenever we are going to enter the washroom is to recite dua, okay? Everyone have to recite dua before entering the washroom. Can anyone tell me which dua we have to recite when we are going to Yes, miss. The washroom. Yes. Okay, Anaya, can miss? Yes. Hello. Yes. Hello, ma. Inni. Hello, ma. Inni. A'udhu bika minal ghawthi wal khabais. Now, please, everyone, repeat after me. Allahumma. Allahumma. Inni. أعوذ بك من الخبث والخبائث. Very good. Everyone, please again repeat after me. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Very good, everyone. Album. Okay, the first thing is to recite dua before entering the washroom. अच्छा, हम ये दुआ क्यों पढ़ रहे हैं कि इसका तर्जुमा क्या है? कि अल्लाह पे आपकी पनाह चाहती हूँ. पूरे जन्नत से मर्द हो या औरत, because the area of toilet is a place of jinns, okay? ये क्या है, यहाँ पर क्या होते हैं जन्नत? तो लाइक ह्यूमन बीइंग, जिस तरह से हम इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसी तरह से क्या है जन्नत, जो अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक है, उनमें भी क्या होते हैं अच्छे और बुरे दोनों टाइप्स के लोग होते हैं. तो हम जब वहाँ एंटर हो रहे हैं और हमें पता है दिस इज द प्लेस वेयर जन्नत लिव, तो हम उन्हें नहीं देख सकते, तो क्या है ना हम उसे अपना डिपेंड कर सकते हैं. इसीलिए हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला आप हमारी उनसे क्या करें, हिफाज करें. दैट्स व्हाई वी रिसाइट दुआ बिफोर एंटरिंग द वॉशरूम. ओके, नाउ द सेकंड सुन्ना इज टू कवर योर हेड. वी हैव टू कवर आवर हेड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू द वॉशरूम. ओके, दिस इज आल्सो टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द हार्म्स ऑफ जिन्नात. ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? मिस, हम लोगों को जब जाना होता है वॉशरूम तो हमें स्कार्फ पहनना जरूरी है. जी, यू हैव टू कवर योर हेड. हेलो मिस, लेकिन अगर हमें वजू करना हो तो उस वक्त आप थोड़ा सा पीछे कर लें, हटा लें मसा करने के लिए. बट जब आप वैसे वॉशरूम जा रहे हैं तो यू हैव टू कवर योर हेड. आपको पता है क्योंकि हमारा जो सर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सबसे सेंसिटिव होता है, उसके जरिए से जो शैतान हमें अफेक्ट करता है. तो इसीलिए वी हैव टू कवर आवर हेड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू एंटर द वॉशरूम. ओके, नाउ द थर्ड सुन्ना इज टू एंटर विद योर लेफ्ट फुट. दिस इज द सुन्ना. जब भी हम सुन्ना तरीका क्या है कि जब भी हम किसी अच्छी जगह पर दाखिल हो रहे होते हैं, एंटर होते हैं, तो वी हैव टू एंटर विद आवर राइट फुट. बट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू एंटर किसी हम बुरी अच्छी ऐसी अच्छी जगह नहीं है, साफ सुथरी जगह नहीं है, तो वहां पर हम किस तरह दाखिल होंगे? वी हैव टू एंटर विद आवर लेफ्ट फुट. लाइक अगर वॉशरूम क्या है, क्लीन तो एरिया नहीं, क्लीन प्लेस तो नहीं है वॉशरूम, अच्छी जगह नहीं है, क्या है
हम वहां पर लेफ्ट फुट से एंटर होंगे। इसी तरह से अगर कोई और जगह है, अगर कहीं वहां पर गंदगी वगैरह कचरा है, तो अगर हम वहां से गुजर रहे हैं तो उस एरिया में वी हैव टू एंटर विद आवर लेफ्ट फुट। या लाइक अगर हम घर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो घर और बाहर में उससे क्या होता है? यस, दिस इज द सुन्ना, दिस इज द सुन्ना फॉर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मिस आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। तो जब भी हम किसी भी ऐसी जगह, अच्छी जगह से बुरी जगह जा रहे हो, लाइक अगर घर के हिसाब से बाहर क्या है, बुरी बुरा जगह ज्यादा अच्छी जगह क्या है, घर और बाहर में हमारा घर है, तो वी हैव टू गो आउट विद आर लेफ्ट फुट। तो जब भी हम किसी ऐसी जगह जाएं जो क्या है अपनी पहली जगह से बुरी हो, तो वहां हमें कहां किस तरह एंटर होना है, अपने लेफ्ट फुट से एंटर होना है। और जहां भी हम अच्छी जगह में एंटर हो रहे हैं तो हमें we have to enter our right foot first, okay? Now, the fourth sunnah is to wash your hands, okay? We have to wash our hands. जब हम अपने काम से फारिग हो जाएंगे, now we have to wash our hands with any liquid or soap we have, okay? These four sunnah we have to follow whenever we are going to washroom. The first thing was to recite the dua before entering the वॉशरूम। तो वॉशरूम जाने से पहले हमें ये क्या है, दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइथ। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? तो इस दुआ को पढ़कर क्या है, हम अल्लाह ताला से पना मांगते हैं जितने भी जन्नात हैं जो बुरे हैं, इस तरह से इंसानों में अच्छे और बुरे होते हैं, इस तरह से जन्नात में भी अच्छे और बुरे होते हैं। तो जो बुरे हैं वही हमें तकलीफ दे सकते हैं, इस वजह से क्या है, हम अल्लाह ताला से पना मांगते हैं, अल्लाह ताला आप हमारी प्रोटेक्शन कर दें इन बुरे जन्नात से, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज टू कवर योर हेड, वी हैव टू कवर आवर हेड। और अगर आपको वॉशरूम जाकर वुजू करना है, कुछ और चीज करनी है, तो उस वक्त के लिए आप थोड़ा पीछे कर सकते हैं, बट आप एज मच एज यू कैन यू हैव टू कवर योर हेड। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज टू एंटर विद योर लेफ्ट फुट। जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो आपकी पहली जगह, जहां से आप जा रहे हैं वो अच्छी जगह, और जिस जगह जा रहे हैं वो क्या है उससे थोड़ी बुरी जगह है, तो क्या है आपको लेफ्ट फुट से एंटर होना है। सही, जो भी गंदी जगह होती हैं या फिर बुरी जगह है, वहां पर एंटर होने से पहले, लाइक अगर दुनिया घर से बाहर निकल रहे हैं, तो भी क्या है आपको लेफ्ट पाँव पहले रखना है, इस तरह से वॉशरूम जा रहे हैं तब भी आपको वी हैव टू एंटर विद आवर लेफ्ट फुट। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, ओके। Now, at the ending, when we have finished and done with our work, so we have to wash our hands with soap or any liquid we have. Okay, aap aise kaun hai who is used to follow these sunnah whenever he or she is going to washroom? Me, miss. Yeah, miss, which sunnah you follow? Yes, first about the sunnah he she is used to follow. Okay, geez. First sunnah you yes, Anaya, do you recite? Yes. Before entering the wash? Yes. Okay, please recite in front of us. Ji, Anaya, start. Allahumma. Yes,